घर आगे वाले मकान में घर के अंदर चला गया, चार मकान में अंदर चला। तो निकलते कैसे? तो निकलते हैं घर के अंदर, भरा है पोर्ट, भरा है क्या क्या। एक तरफ गड्ढा मुक्त का दावा करने वाली सरकार के वादे तो हवा हवाई ही हैं, जिससे लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बरसात की मार से आदर्श नगर के लोग परेशान हैं। नेपालापुर स्थित आदर्श नगर के लोगों की उस समय नींद उड़ गई जब रविवार की रात हुई बारिश से उनके घरों में पानी घुस गया। शहर के सटे आदर्श नगर मोहल्ले के रहने वाले बाशिंदों के लिए ये बारिश कहीं आफत से कम नहीं थी। फिर क्या था, लोग घरों में दुबक कर बैठने को मजबूर हो गए और प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस मोहल्ले की आबादी लगभग 10,000 बताई जा रही है। लोगों को घर का जरूरी सामान लेने के लिए भी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सोमवार को जब आ इंडिया संवाददाता बिपिन राजवंशी ने आदर्श नगर मोहल्ले का हाल जाना तो आप भी देखिए वहाँ क्या कुछ दिखा। हल्की सी बरसात में आप देख सकते हैं किस कदर इस मोहल्ले का हाल है। पानी घर में घुस गया है। यह व्यवस्था तब है जब नगर पालिका व प्रशासन पूरी तरह पानी से निजात दिलाने को हाजिर है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से आपको लगता है कि पीछे तक पानी घरों में घुस गया, या अभी हल्की सी बरसात हुई है जिस वजह से इन मोहल्ले वासियों को दिक्कत है। यह मोहल्ला आदर्श नगर है, यहाँ की आबादी भी कम से कम 2-3 हज़ार होगी, लेकिन यहाँ पर जो पानी की ना निकास की व्यवस्था है वो से ये जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो दूध देने आते हैं ये इन्हीं इसी गली में जाते हैं दूध देने, कैसे वहाँ तक पहुँचते होंगे ऐसी जलभराव की स्थिति में? क्या नाम है आपका और कहाँ दूध देने जाते हैं? इकबाल हुसैन नाम मेरा है। मैं गली भर में दूध देते हैं और बहुत पानी कमर तक का पानी हो जाता, कैसे निकल निकल कर दूध दें? बहुत दिक्कत है। गाड़ी यहाँ खड़ी करो, ले ले हाथ में पकड़ पकड़ के लेकर वहाँ जाकर। प्रशासन क्या इस पे ध्यान देता? कुछ नहीं देता, देता है तो दिक्कतें कहाँ आए। जब बरसात होती होगी ऐसे इससे ज्यादा हो जाता, तो हल्की बरसात हुई है। इनका कहना है कि ये हल्की सी बरसात हुई है तब ऐसा माहौल, अगर तेज बारिश हो जाए तो ये ऊपर तक पानी चला जाएगा। जैसे कि लगा है, देख सकते हैं आप किस तरह से घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग निकलने को मजबूर हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक आदमी वहाँ से आ रहा है, पानी से गुजर कर उसको निकलना पड़ रहा है, उसके कपड़े भी भीग रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो बिल्कुल आंखें मूंदे हुए हैं। जैसे हर बरसात में यही हाल होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन व्यवस्था सब वैसे ही है। इंडिया से समीर के साथ बिपिन राजवंशी, सीतापुर।